नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। साकेत बचाओ विरासत बचाओ इस आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा जो है वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय प्राध्यापक विलास खरात, इन्होंने की थी। इन्होंने उसकी घोषणा कुछ दिनों पहले की और इस आंदोलन को बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब ने पूरे संगठन के साथ, पूरे संगठन शक्ति के साथ समर्थन घोषित कर दिया है। अब इस आंदोलन के कुछ चरण प्राध्यापक विलास खरात इन्होंने बताए। उसमें सबसे पहली बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की जाएगी और इसके लिए उन्होंने वो सारा जो ड्राफ्ट है, लीगल ड्राफ्ट बनाना चाहिए था, वो बना लिया है। करीबन 14-15 पेज का वो ड्राफ्ट है। वो एक याचिका दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा उन्होंने जनता से अपील की है। वो अपील पत्रक जो है वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हम यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आपको कि वो किस प्रकार का ये अपील पत्रक है। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति और जो भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग है, अधिकारी है, उनके नाम पर एक ज्ञापन भी तैयार किया है। 4 पन्ने का वो ज्ञापन है। वो ज्ञापन भी हम लोग यहाँ पर देंगे और लिंक में, इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देंगे जहां पर वो आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। अब इतना सब हो रहा है, बहुजन समाज के लोग साकेत पर, यानी जो अयोध्या है उसी का नाम साकेत है, उस पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसमें अवशेष मिले, नए अवशेषों के मिलने के बाद ये सारा मामला जो है वो सामने आया। बहुजन समाज की दावेदारी बढ़ रही है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से ये कहा गया है कि 5 से 9 जून तक ग्रीन जोन में जितने भी उनके कार्यकर्ता है, जो भी लोग अलग अलग समाज के, अलग अलग संगठन के लोग रहते हैं, उनसे उन्होंने अपील की है कि 5 से 9 जून तक आप ये निवेदन, ज्ञापन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से और भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के नाम से जो बनाया गया है उसे आप अपने जिलाधिकारी के पास सौंपाइए। अब इस आंदोलन का जो प्रचार है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमने ली है, एमएनटीवी ने ली है। अब इसका प्रचार कैसे करना है, इसमें मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। सबसे पहली बात है कि एक नंबर आपको दिया जाएगा, मोबाइल नंबर है 10 अंकों वाला, वो आपको अपने मोबाइल से डायल करना है। मिस कॉल आएगा, एक वॉइस मैसेज आपको सुनाई देगा, वो आपको सुनना है। सुनने के बाद जैसे ही वो कॉल कट हो जाएगा, वो वॉइस मैसेज खत्म हो जाएगा, कॉल कट हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में आपको एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में हमने एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि नंबर कौन सा है। नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी देंगे इस वीडियो के, और यहां पर भी आपको वो नंबर दिखाई देगा। नंबर है 8448568822। मैं फिर से नंबर दोहराता हूं, 8448568822। तो ये नंबर आपको यहां पर भी दिखाई देगा और नीचे हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको आपके लिए लिख देंगे। तो ये नंबर पर आपको कॉल करना है, मिस कॉल करना है, उसके बाद आपको कुछ सेकंडों के बाद आपको मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में हमने आप गूगल फॉर्म की एक लिंक दी हुई है। ये जो मिस कॉल है आपका, ये इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, और जितने बड़ी मात्रा में इस आंदोलन को समर्थन मिलेगा उतने बड़ी मात्रा में हमारा जो आंदोलन है वो और तेज होगा। हमारे दावेदारी, बहुजन समाज की दावेदारी अयोध्या पर, साकेत पर उतनी ही मजबूत होगी। तो इसलिए सभी ने अपने अपने मोबाइल से और अपने परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी के मोबाइल से वो मिस कॉल देना है, एक बात। दूसरी बात, जो मैसेज, जो एसएमएस आपको आएगा उसमें गूगल फॉर्म की एक लिंक दी है, उस लिंक को ओपन करना है और उसके बाद उसको, उसमें जो जानकारी पूछी गई है वो आपको भर कर देना है। अब ये मिस कॉल तो आपका समर्थन के लिए हो गया उस आंदोलन को। अब हम आपसे ये फॉर्म क्यों भरवा कर ले रहे हैं? फॉर्म इसलिए भरवा कर ले रहे हैं कि कौन से कितने लोगों ने हमें समर्थन दिया है और इस आंदोलन से जुड़ने के लिए आपको ये फॉर्म जरूर भर कर देना है। फॉर्म में कुछ जानकारी मांगी है वो आपको देना है। मैं यहां पर भी आपको एक स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे कि कौन सी जानकारी आपको देना है, किस प्रकार से वो फॉर्म दिखता है। तो सबसे पहले है
आपका नाम आप इंग्लिश में भरिए, आप हिंदी में भरिए, ठीक है, वो आपके सुविधा के अनुसार है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी इन दो ही भाषा में भरिए। अगर अगर आपने गुजरात में, गुजराती में या बांग्ला में अगर इस फॉर्म को भर दिया तो हमें उसको छाटने के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए फॉर्म केवल हिंदी या मराठी, हिंदी या अंग्रेजी में ही भरिए। तो सबसे पहले आएगा आपका नाम, फिर आएगा जेंडर यानी लिंग, स्त्री पुरुष या अन्य, उसके बाद आएगी कैटेगरी, कैटेगरी यानी आपकी सोशल, आप शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है या अदर बैकवर्ड क्लास से है, ये आपको भरना है। उसके बाद आएगा रिलीजन, रिलीजन का कॉलम इसलिए रखा है कि अन्य जो समानता मानने वाले धर्म है, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर ऐसे कितने लोगों का इस आंदोलन के लिए समर्थन है, ऐसे कितने लोग इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, ये समझने के लिए वो एक कॉलम वहां पर रखा है। उसके बाद आएगा आपका तहसील, आप कौन से तहसील में रहते हैं, फिर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला कौन सा है, फिर आएगा आपका स्टेट यानी आपका राज्य, फिर आएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर। अब बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप नंबर अलग होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर अलग होते हैं, इसलिए हमने ये दोनों भी यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद ट्विटर आईडी, ट्विटर हैंडल, अगर आप ट्विटर पर है, आपका ट्विटर पर अकाउंट है, सक्रिय रूप से आप ट्विटर चलाते हैं, तो वो ट्विटर की आईडी के, ट्विटर का आईडी भी, ट्विटर हैंडल भी आपको वहां पर देना है। उसके बाद आएगा ईमेल, ईमेल आईडी सभी का होता है, जो भी एंड्रॉइड या आईफोन यूज करते हैं उन सभी का एक ईमेल आईडी होता है, वो ईमेल आईडी आपको वहां पर देना है। उसके बाद आएगा कि आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं या नहीं, अगर आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, फिर चाहे वो आपका जिले का संगठन हो, तहसील का हो, गांव का हो, शहर का हो, ठीक है, या आपका कोई जयंती का अगर कोई संगठन है, जैसे बहुत सारी जगह पर जयंती मंडल चलते हैं, तो अगर ऐसा आपका कोई संगठन है तो वो लिखना है, अगर आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो। हाँ करने के बाद जो है नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पन्ने पर वो जाएगा, फिर आपके उस संगठन का नाम आपको देना है, फिर आपकी उसमें क्या भूमिका है, आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर है यानी आप पदाधिकारी है, आप कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, आप सदस्य है, मेंबर है, या आप केवल समर्थक है, उस संगठन के केवल समर्थक है, उसको अदर में लिखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट करने के बाद ये डायरेक्ट फॉर्म जाएगा आपके सजेशन पर, अगर इस आंदोलन को और बड़ी मात्रा में चलाना है तो क्या आपकी तरफ से सजेशन है, या और किस प्रकार से इसका प्रचार कर सकते हैं, और किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों का समर्थन हम इसमें ले सकते हैं, तो आप सजेशन उस पर दे सकते हैं और फिर सबमिट कर देना है, वो फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, आप पर्सनली इस आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली नो करना है, जहां पर ये पूछा गया है पहले पेज पर कि आप किसी संगठन के साथ जुड़े हैं या नहीं। अगर आप जुड़े नहीं है या ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी संगठन से जुड़े हैं, आप पर्सनली इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो नो करना है, नो पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे वो सीधा पन्ना जो है आपके सजेशन वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, अगर सजेशन नहीं है तो सिंपली उसे सबमिट कर देना है। अब ये सारी बातें मैंने बहुत जल्दी में कही है, क्योंकि वीडियो की लेंथ मैं नहीं चाहता कि ये बड़ा वीडियो हो, इसलिए ये जल्दी मैं कह रहा हूं। इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और साथ में ही जो नंबर मैंने बताया और किस प्रकार से फॉर्म भरना है गूगल फॉर्म, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बस यही है, ज्यादा से ज्यादा इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवा कर लीजिए, और बहुजन समाज की जो विरासत है उसे बचाने के लिए आप इस आंदोलन का एक हिस्सा बनिए। शुक्रिया।